दूंगी, मैं चाय नहीं दूंगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स देखिए, हमारे घर पे हमारी एक माँ आई हैं, उनके बेटा नहीं है और पोती है, वो उसी उन्हीं के लिए आती हैं। और हमारी यहाँ कॉलोनी में उन्हें ऐसे भी हैं जो आटे तक नहीं देते, और वो मेरे पास आती हैं, आप उनसे मिलिए। अनिल पीछे तो बोलो, बोलो। तो बेटी रह जाती पर तो आते थी रोज, तो मुझे पैर पीछे, अब तो बेटी बहुत ही गिर गई हूँ कि पैरों से खाना हो जाता है, ये बच्ची रोती है तो बेटी इसका ख्याल मेरे पे देखा सुना था। फ्रेंड्स, अम्मा बहुत परेशान है, कोई इस छोटी सी बच्ची को खाना तक नहीं देता है। मैं मेरे पास आई थी अम्मा, अम्मा आपने क्या खाया है? रोटी खाई है, अभी मैंने रोटी खिलाई है, चाय बना के पियाई है अम्मा को। फ्रेंड्स, ऐसे इंसान हैं जो दूसरे इंसान की मजबूरी कोई नहीं देख पाते। अब ये बूढ़ी अम्मा है, कोई एक कटोरी आटा दे देगा तो किसी के घर से क्या जाएगा, इन बेचारी को कोई आटा नहीं देता, रोटी तो बहुत दूर की बात है। ये मेरे पास आती हैं सीधा, और यहाँ पे कोई एक दो होंगे जो देते, नहीं तो ऐसी बेचारी ऐसी चले जाती हैं, पैरों से बहुत मजबूर है, चला नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें भी ऐसे मजबूर इंसानों की मदद करनी चाहिए, अपनी इंसानियत का, हमें अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए, क्योंकि कल को बूढ़ा हमें भी होना है। कोई पता नहीं हमारी औलाद हमें रोटी देगी कि नहीं देगी, अच्छे कर्म करेंगे तो क्या पता कोई और हमें रोटी दे दे। इसलिए फ्रेंड्स, सबकी मदद करें प्लीज़। कोई तुम्हारे घर पे भूखा है तो उसे ज़रूर रोटी खिलाना, बहुत पुण्य लगता है। अम्मा मुझे बहुत आशीर्वाद दे के जाती हैं, बहुत दुआएं देती हैं, और सच पूछे तो मैं अम्मा की आशीर्वाद से आज जल्दी सही भी हो गई, मुझे अपनी बेटी से ज़्यादा मानती हैं। बाबू अपना नाम बता। ताना है। ताना। अम्मा अपना नाम बताओ। मेरा नाम मजीद है। बस। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और एक दूसरे की मदद करना। थैंक यू वेरी